देख लिया असली वर्दी का पावर। अगर और देखना होगा ना तो मैदान में आ जाना। मैं कह रही हूँ ना, करिश्मा मैडम की बात ही कुछ और थी। अरे तुम पुलिस वालों को ना एक्शन के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अरे एक्शन तो हम लोग रोज खाते, मतलब एक्शन करते। हसीना मैडम ने क्या किक मारी है जो घुमा। संतोष जी कह रहे हैं तो मान जाओ ना कि करिश्मा मैडम बेटर थी। और वैसे भी खूबसूरत लड़कियां कभी गलत नहीं होती। मैं यार चड्डे, हर वक्त पुलिस के मामले में तुम्हारा नाक घुसाना जरूरी होता है क्या? बता रहे हैं ना तुमको, हसीना मैडम नंबर 1 थी। ओ तो तेरा मानना यह है कि संतोष जी सुंदर नहीं है? देख लो संतोष जी। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी कहा है हम। संतू जी तो दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत है। एक काम कर दे, वोटिंग कर दे। वोटिंग है कि नहीं? मतलब करिश्मा मैडम के साइड में संतोष जी और ये चड्डा, और हसीना मैडम के साइड में चीता और मैं। हाँ पर ये तो टाई हो जाएगा ना। पुष्पा जी से पूछते हैं। हाँ चलो पुष्पा जी। पुष्पा जी अब आपका वोट डिसाइड करेगा कि किसकी फाइट में ज्यादा दम था, करिश्मा मैडम की या हसीना मैडम की? हसीना मैडम, करिश्मा मैडम। कहाँ हमको इस चक्कर में तुम लोग। कुछ नहीं, वो ये सब लोग आपके और करिश्मा मैडम के बारे में बात कर रहे थे कि किसने अच्छी लड़ाई की। अच्छा तो क्या रिजल्ट निकला? टाई है मैडम सर। पुष्पा जी का वोट डिसाइड करेगा। हसीना मैडम। हमारा वोट हसीना मैडम को जाता है। और ये हम किसी कैरेक्टर रिपोर्ट के लिए नहीं कर रहे हैं पुष्पा जी। मैडम सर आपसे एक बात पूछना चाह रहे थे हम कि जब आप अपनी लात से इतना अच्छा बात करती हैं तो आप अपने जज्बातों के भजन क्यों सुनाती हैं? क्योंकि लात की चोट सिर्फ शरीर को लगती है और जज्बात का असर रूह को बदलता है। लेकिन आज की इस घटना को हम एक्सेप्शन ही मानेंगे। ठीक है, चलिए अब अपने अपने काम पर जाइए। करिश्मा सिंह, आपकी ड्यूटी अभी तो बाकी है ना? आपकी अजय कुमार की सिक्योरिटी की ड्यूटी है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमें तो लगा आज सूरज थाना में कहीं और से ही निकलेगा और आज आप हमारी पीठ पे थपथपा कर कहेंगी कि उस अजय कुमार से आज माफी किसी भी हालत में मंगवानी है। वो जब माफी मांगेगा तब मांगेगा, लेकिन तब तक ड्यूटी तो करनी होगी ना। तो मैडम सर आपको क्या लगता है ये घमंड में चूर इंसान के सपना में भगवान कृष्ण आकर उनको पाठ पढ़ाएंगे? नहीं, इस पे हमें डंडा घुमाना ही पड़ेगा। ये पुष्पा जी से माफी भी मांगेगा और आज इसने जो हमारी वर्दी का टेस्ट लिया है ना उसके लिए जिंदगी भर अफसोस करेगा। करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम भी उस अजय कुमार से पर्सनली उतनी ही माफी मंगवाना चाहते हैं जितनी आप, लेकिन इस तरह से हड्डियां तोड़कर नहीं, उसे एहसास करा के। फिलहाल आप और हम क्या चाहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्दी जो चाहती है हमें करना होगा। आप सिक्योरिटी रिपोर्ट करेंगी and that's an order. Jain madam ji. अजय कुमार ने हमारे साथ क्या किया अब हमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने हमारे सम्मान के लिए जो किया है उसके सामने अजय कुमार का किया अपमान कोई मायने नहीं रखता। हमने आपकी आंखों में हमारा दर्द देखा है। हमारा वोट तो आप ही को जाता है। आप ही है हमारे लिए हीरो। अम्मा वो हम जी, हम आपके लिए और आपकी इस वर्दी के लिए ना किसी से भी टकरा जाएंगे। एक बात बताएं हम आपको। बताइए। बहुत गर्व है हमको कि आप हमारी बहू हैं। अच्छा पुष्पा जी, अगर आपको हम पर इतना ही गर्व है तो सुबह वाली चाय आप क्यों नहीं बनाती है? अच्छा लगता है घर का हीरो उठ के सुबह चाय बनाएगा। हाँ वो चाय तो आप ही बनाएंगे, आदत हो गई ना आपके हाथ की चाय की। हाँ हाँ ठीक है, हम ही बनाएंगे बस। वाह चीते बैडमिंटन से खेल रहा है, लेकिन इसमें तो नेट ही नहीं है, कैसे खेलेगा? बॉम्ब डिटेक्टर है ये, समझ रहे हो? इससे पता चलता है बॉम्ब कहाँ पे। अलर्ट रहना तुम बिल्कुल। मैं अलर्ट? अबे शक्ल अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी किया कर। अरे मैं कल का सुपरस्टार बनने वाला हूँ। बेटा तुम ना कुत्ता पाला करो, गलत फहमी नहीं। सुपरस्टार बनने वाला हूँ बॉलीवुड का, वैसे बढ़िया है तुम बन जाओ, महिला पुलिस का पीछा तो छूटेगा। ना 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 ना, मैं कितना भी बड़ा सुपरस्टार बन जाऊँ लेकिन अपना बिल्लू निवास कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे तू पुलिस है, तू जा। चल हाथ पकड़े देखते कर। अरे मैं कल का सुपरस्टार हूँ, बॉलीवुड का भविष्य। बात इसमें तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बज रहा था बीप बीप। अरे तो ये डिटेक्टर कहाँ, कौन से कबाड़ी बाजार से लाया हुआ? अभी ये तो मुझ पे भी बज रहा है, मतलब मुझ में क्या भाव में? लो इससे खेलना तुम खेलो। अरे क्या चल रहा है यार? सर और ये सामान यहाँ पर कौन रखा है? अरे ये ढोलक किसने तोड़ा? इसने। अबे काले, हाँ ये ढोल तूने तोड़ा? नहीं सर मैंने नहीं तोड़ा। अभी के अभी ये अगर ढोल तूने बनाया नहीं तो मैं तेरा कट कर दूंगा। क्या? इस पिक्चर से रोल। तो ये सर। अरे कौन है वहां पर? चीते, तेरे वजह से मेरा सुपरस्टार बनने का सपना ये फट गया, तेरे वजह से। ये तुम्हारा बॉम्ब डिटेक्टर सरकारी सामान का नुकसान, बिल्ले मार कर तकला फाड़ देंगे तुम्हारा। क्या फाड़ देंगे? अरे मैं कल का सुपरस्टार भविष्य हूँ बॉलीवुड का। इसका सुपरस्टार भविष्य तुम्हारा। रिक्शा कैसा है यहाँ पर? हैं? अरे इसमें बम हो सकता है भाई। अबे चीते तेरे दिमाग में ना कीड़ा है कीड़ा। अरे जिस चीज को देखते हो उसमें तुम बोलते हो इसमें बॉम्ब है। क्या अभी ये संदूक है तो इसमें भी बॉम्ब है क्या? हो सकता है। क्या हो सकता है? अरे शूटिंग चल रही है, शूटिंग के लिए रिक्शा आई होगी। सर 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 मेरा रोल मत काटो सर। सर ये एक साइड से बजाओ ना सर, अच्छा है, देखो अच्छा बजता है। प्लीज बात समझिए, ये पुलिस थाना है, हम यहाँ आपको शूटिंग की परमिशन नहीं दे सकते। आपकी परमिशन की जरूरत है किसे मैडम? मेरे पास एक फोन घुमाया एंड ये रहा आपका परमिशन लेटर ऑफिशियल। आई होप आप सब लोगों को अब तक पता लग गया होगा कि मैं अपने फोन से कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। उनको देनी है जाती। ओके तो शूट शुरू करें। दादा कैमरा पीछे लेना, शॉट पीछे लगाना। सर कैमरा बहुत भारी है। कैमरा भारी है तो ठीक है, यहीं पे लगा दो, सामने शॉट ले लेंगे। हाँ चलो। अब एक सर की कैप कहाँ है? सर मैंने तो सर को कैप दी थी। सर को दी थी? हाँ सर। चुनो मेरी कैप कहाँ है? कैप कहाँ है मेरी? मैंने दी तो थी। किसको दी थी यार? कामचोर कहीं का। कोई बात नहीं सर, हम अरेंज कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं, इतने पुलिस वाले इस थाने में, इतनी कैप्स हैं, अरेंज करने की जरूरत क्या है? इनमें से किसी एक पहन लेंगे, आफ्टर ऑल कैप ही तो है। क्या फर्क पड़ता है? मुझे आपकी कैप चाहिए। कम ऑन, रिमूव इट, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा। हमारा कैप ना एकदम सही जगह पर है, अगर हिम्मत है तो लेके दिखाओ। ये हमारी वर्दी है अजय कुमार, और ये कैप उस वर्दी का हिस्सा है। तुम्हारी इसे पहनने की औकात नहीं। हेलो हेलो, अमीनाबाद महिला पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो हेलो, महिला पुलिस थाना, संतोष शर्मा रिपोर्टिंग। बॉम्ब का पता मिल गया है। लगता है अभी और कुछ बताना बाकी रह गया है। ओके, अभी बताता हूँ एक-एक की औकात क्या है। मैडम सर, हेडक्वार्टर से मैसेज आया है। गाजियाबाद का एक टेररिस्ट पकड़ा गया है। उसी ने बताया कि उनके ग्रुप ने हमारे पुलिस स्टेशन के बाहर मार्केट में बॉम्ब प्लान किया है। एग्जैक्टली कहाँ किया ये नहीं पता। रोक पुष्पा जी, उसे रोकिए, वो बाहर जाकर पानी क्रिएट करेगा। अरे बॉम्ब, मार्केट में बॉम्ब है, बॉम्ब। भगदड़ मचेगी, सब लोग डर जाएंगे। रुकिए रुकिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आप बस भगदड़ मत मचाइए। शांति से ये पूरा इलाका खाली कर दीजिए, जाइए शांति से, शांति से, शांति से। मिस राजा, आप रिलैक्स करिए, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी, आप प्लीज अंदर जाकर बैठिए। चीता, इन्हें अंदर लेकर जाओ जल्दी, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा एरिया सील करना। जाओ। मैडम सर, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? सानी की तरह या जर्नलिस्ट की तरह? सानी की तरह। ठीक है, जाओ देखो चीता को क्या मदद चाहिए, जल्दी जाओ। मैडम सर, ये मार्केट में बॉम्ब ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम जानते हैं, लेकिन अब क्या करें, ढूंढना पड़ेगा। एक एक चीज हमें अच्छे से चेक करनी होगी, ठीक है? खास तौर पर ऐसी चीज का ध्यान रखिए जो इस मार्केट में बिलोंग नहीं करती। ओके, चलिए। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला मैडम सर। कुछ भी नहीं मैडम सर। ये क्या है? यहाँ क्या रखा है? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यूपी 14, जो कि नंबर है गाजियाबाद का। लखनऊ का नंबर है 32। संतोष ने कहा था कि जो टेररिस्ट आ रहा है वो गाजियाबाद से आ रहा है। खुद सोचिए कि गाजियाबाद का ऑटो यहाँ लखनऊ के मार्केट में क्या कर रहा है। हो सकता है कि बॉम्ब इसी में हो। एक काम करते हैं हम। अरे तुम रुको भाई, रुको, इग्निशन ऑन मत करना। हो सकता है उसमें बम हो और इग्निशन ऑन करते ही वो फट जाए। उठने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, हो सकता है वो प्रेशर रिलीज से कनेक्टेड हो, तुम्हारे उठते ही फट जाएगा। अरे ये सितारा जल्दी तारा बन जाएगा। वहीं बैठे रहो, हम कुछ करते हैं। नहीं मैडम सर, हम आपको आपकी जान ऐसे इंसान के लिए खतरे में नहीं डालने दे सकते। हमें बॉम्ब स्क्वाड का वेट करना चाहिए ना मैडम सर। अरे फिर तो लेट हो जाएंगे, मेरा बिल्लू निवास और मैं बिल्लू लेट हो जाएंगे। मैडम सर, बॉम्ब स्क्वाड वाले को गलत लोकेशन टिप मिली थी तो वो वहाँ चला गया, वहाँ से यहाँ आने में उन्हें वक्त लगेगा। देखिए अब टाइम नहीं है, जो करना होगा हमें करना होगा। पर मैडम सर ये रिस्क है। ये थाना हमारे ज्यूरिसडिक्शन में आता है, इसलिए यहाँ के हर इंसान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए जो करेंगे हम करेंगे। नहीं मैडम सर, ऐसे तो फिर इस एरिया के ऐसा ही हम है तो ये हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम सबका सुरक्षा करें। देखिए हम आपके जज्बे को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट दिस इज नॉट द टाइम टू आर्ग्यू। हम आपके सीनियर है, यहाँ पे सबकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए जो करेंगे हम करेंगे। आप खड़ी रहिए। मैडम सर आप हमारी सीनियर है, इसलिए हमारा ज्यादा फर्ज बनता है कि हम आपकी रक्षा करें। हम आपको ये रिस्क नहीं लेने देंगे। करिश्मा सिंह। मैडम सर आप जानती है हमारा ऑर्डर मानने में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, इसलिए इस ऑटो को तब हम देखेंगे। पुष्पा जी संभालिए इसको, आप यहीं पर खड़े होकर इंस्पेक्ट करेंगी, एंड दैट्स एन ऑर्डर। खड़े रहिए। जी मैडम सर। मैडम सर संभाल के। ए, उसको पकड़ के नहीं रख सकते थे? कहाँ जाने दिए उसको? ये काम ढंग से नहीं होता है तुमसे। टाइम बॉम्ब है और सिर्फ 10 मिनट बचे। टाइम बॉम्ब 10 मिनट। मैं क्या बोलता हूँ, खुफिया रास्ते से निकलते चलो। खुफिया उठना मत, अगर उठ गए तो ये वक्त से पहले फट जाएगा। मैडम सर बॉम्ब स्क्वाड वाले रास्ते में, उन्हें आने में 15-20 मिनट लगेंगे। अरे मैया लेट हो जाएंगे। हम बोले थे तुमको कल ही बोले थे किसी रिक्शे में बम है। तो तू मतलब काहे रोका मतलब? अरे तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा डिटेक्टर ना सेम ही है। जहाँ चलना चाहिए वहाँ चलता नहीं और जहाँ चलना नहीं चाहिए वहाँ बिल्कुल। टाइम है ये सब करने का, तो वहाँ टाइम नहीं है। ठीक है, अब जो करना होगा हमें ही करना होगा। चीता, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट लेकर आओ जल्दी। तो रेडी, चलिए। ओके, हम इसे ऊपर उठाएंगे, ठीक है? यही वो वायर है जो प्रेशर रिलीज से ट्रिगर हो जाएगा। मैडम सर, इससे पहले आपने बॉम्ब डिफ्यूज किया है क्या? नहीं, बॉम्ब तो कभी डिफ्यूज नहीं किया, लेकिन एकेडमी में हमने बेसिक ट्रेनिंग जरूर ली थी। आपको आता है? वही बेसिक ट्रेनिंग ही लिया था मैडम सर हमने भी। ठीक है, तो फिर संतोष सर 6 मिनट रह गए सर। मैं करिश्मा मैडम को फोन देती हूँ। मैडम अभी दिखाई दे रहा है ना आपको? अजी नेटवर्क बहुत खराब है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ सर, लेकिन कौन सा वायर किससे कनेक्टेड है ये तो बताइए। अरे हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कौन से वायर से बम डिफ्यूज होगा। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। क्या हुआ मैम? चल नहीं रहा है नेटवर्क, चला क्या? मैम प्लीज मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना है अभी, तो बिल्कुल नहीं मरना। मैम प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। हाँ तो हमें मरने का शौक है क्या? हम भी कर ही रहे हैं ना। तो पुष्पा जी, हाँ? आप हमारी चिंता मत कीजिए, आम जनता की जान बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। आप पहले बॉम्ब डिफ्यूज कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। पुष्पा जी आप चाहिए, हमें कुछ नहीं होगा सर। हाँ बिना आप चाहिए। ये ग्रीन वाला वायर जो है टाइमर से कनेक्टेड है, येलो वाला प्रेशर से कनेक्टेड है। हमें लगता है ये रेड वाला ही ट्रिगर होगा। हमको लग रहा है ना ये हरा वायर जो है ना ये ट्रिगर करता है मैडम। अरे नहीं, ये हरा वाला तो ट्रिगर से कनेक्टेड है, लेकिन मैडम तो 40 सेकंड बचे। करिश्मा सिंह, हम रेड वायर काट रहे हैं, अब किस्मत देखेगी आगे क्या होगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मैडम सर।